अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में जीएल विन करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग हमेशा ये गलती करते हो, और अगर आप लोग ये चीज़ें सुधार लेते हो तो फिर आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा और यहाँ पर आप लोग कैसे अपना टीम बनाओगे, कैसे कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना होगा, और भी जो जीएल से रिलेटेड टिप्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे डिटेल के साथ। और मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके और भी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कैसे सब कुछ करना है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, ताकि फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक ना हो, कुछ भी आपसे गड़बड़ी ना हो, और आप लोग एक बेस्ट टीम बनाओ जिससे कि आप लोग इजीली जीएल जीत पाओ। और अगर आप लोग मेरे टीम से खेलना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं एस एल टीम देता हूँ, और आपको उस टीम के साथ भी अगर आप लोग जीएल में जाते हो तो अच्छे खासे रैंक कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इजीली जीएल विन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं सब कुछ, लेकिन आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। सबसे पहले जैसा कि आज ही का मैच है, दिल्ली और गुजरात का मैच है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से प्लेयर को लेना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप लोग गलती करते हो और आप लोग यहाँ पे उसका फल भुगतते हो, फिर आप लोग वो मैच नहीं विन कर पाते हो, आप लोग सोचते हो कि कम से कम मेरे 49 रुपये भी आ जाते। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग जब यहाँ पे क्रिएट टीम पे आते हो तो यहाँ पे पहले ही आपका ध्यान भटका दिया जाता है, यहाँ पे पहले ही ड्रीम इलेवन की तरफ से बता दिया जाता है कि पिच बैलेंस्ड है, पेस के लिए बेहतर है, एवरेज स्कोर इतना जाएगा, और वेन्यू जो है वेन्यू के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही जाती है। तो आप लोग क्या करो कि यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ मत देखो कि पिच बैलेंस है, बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए बेहतर है, पेस अच्छा करेगा, स्पिन अच्छा नहीं करेगा। आप पूरा एनालिसिस करो, पूरा उसके बारे में जानो। यहाँ पे चार लाइन देख के आप लोग ये मत समझ जाओ कि कुछ ऐसा होने वाला है, और फिर यहाँ पे प्रेडिक्शन जो है हमेशा सही नहीं होती है, आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना होता है ताकि आप लोग यहाँ पे बेहतर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बताया गया कि पिच पेस के लिए बेहतर है तो आप लोग सारे पेसर्स उठा लो और स्पिनर्स को इग्नोर कर दो। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग जीएल का सपना छोड़ ही दो, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्शन पर बिल्कुल नहीं जाना है, मतलब आप बस पिच रिपोर्ट जानो, कौन कौन बेहतर कर सकता है ये चीज़ जानो, लेकिन एकदम डायरेक्ट किसी का मतलब एकदम पेस के लिए एकदम मतलब उन प्लेयर को मत ले लो, या फिर स्पिन के लिए किसी प्लेयर को मत उठा लो कि आपको ये बेहतर करके देगा, जीता ही देगा 1 करोड़ रुपया, तो वैसा मत करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको चुनना है कि विकेट कीपर आपका कौन होने वाला है, ठीक है। अब विकेट कीपर जो आपका होने वाला है वो कौन कौन हो सकता है, किसको आप लोग यहाँ पर अपने टीम में लोगे, क्या आपको मैथ्यूट जो है जिता के देगा, या फिर आपको यहाँ पे जो सरफराज खान है वो आपके लिए बेहतर करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, क्या करना होगा आपको, और कौन कौन से प्लेयर को लेना होगा। सबसे पहले आप लोग देखो कि ऊपर कौन खेलने आ रहा है, उस हिसाब से आप लोग टीम में लो। अगर मान लो कि यहाँ पे देख रहे हो कि लाइनअप आया है और गुजरात टाइटन्स जो है बैटिंग कर रहा है, तो गुजरात टाइटन्स चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके दूँ, और वो उसका जो ओपनर आएंगे वो यहाँ पे आपको पावर प्ले में काफ़ी हिट करके देंगे, और जो रिधिमान सा है ओपन करने के लिए आते हैं वही आप लोग देखो। तो मैथ्यूट का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अभी उनको टीम में भी नहीं लिया जा रहा है। सरफराज खान बहुत डाउन आते हैं तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, वही अगर फ्लिप सल्ट आ जाते हैं तो ओपन करेंगे, तो आप लोग उनको ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, रिधिमान साहा को ले लेना है आंख बंद करके, यहाँ पे कोई आपको रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि रिधिमान साहा को ड्रॉप कर दे, सरफराज खान को अपने टीम में ले लें, वो आपको 100 करके दे देंगे, 50 करके दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके लास्ट परफॉर्मेंस को भी देखो, तो वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बैट्समैन में। अब बैट्समैन में आप लोग ऐसा नहीं है कि किसी के भक्त हो और डायरेक्ट उनको 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 पिक कर लिए कि हाँ ये बेहतर खेलता है, बेहतर खेलता है, बेहतर खेलता है, यहाँ पे अच्छा खेलाता है, वहाँ पे अच्छा खेलाता है, तो वैसा कुछ नहीं करना है आपको, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखो कि यहाँ पे किन किन प्लेयर्स के लिए बेहतर हो सकता है, कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, पिच रिपोर्ट के बारे में जानो, प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में जानो, फिरोजा कोटला जो अर्जुन जेटली अब हो गया है उस पिच के बारे में जानो कि कैसे वो काम करता है, कैसे वहाँ पर बैट्समैन चलते हैं, कैसे बॉलर्स वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, सभी चीज़ें जानो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि आपको रखना है डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर पिछला मैच में अच्छा किया था, और पता है आप लोगों को कि हर मैच में अच्छा ही करता है, कुछ ना कुछ स्कोर करके ही जाएगा, फ्लॉप तो मतलब बाय चांस ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेविड वार्नर पर रिस्क ले लो, डेविड वार्नर को टीम से बाहर कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी को आप कभी बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर उसको बाहर करते हो, अगर वो चल जाता है, तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि जीएल आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपको फुल रिस्क लेके नहीं आना है। इसके बाद ऑप्शन आता है हम लोगों पास कि शुभमन गिल को हम लोग टीम में रखें कि नहीं रखें। तो शुभमन गिल का देखा जाए परफॉर्मेंस तो अभी तक सबसे बेस्ट रहा है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। और पिछला सीज़न इन्होंने मैच जिताया था, और
आगाज़ देख सकते हो कितना बेहतर किया है, तो इस पर भी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, इसको अपने टीम में रखना है, ठीक है। पृथ्वी शॉ पर आप लोग रिस्क ले लो, फुल्ली रिस्क ले लो, मैं आपको बोलूँगा कि पृथ्वी शॉ पर रिस्क ले लो। हाँ, लेकिन पृथ्वी शॉ एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको यहाँ पर GL विन करा सकता है, तो आप एक टीम में ड्रॉप कर रहे हो उसे, तो दूसरे टीम में अपने टीम में इसको लो, ठीक है, तो जाकर आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि पृथ्वी शॉ का कोई भरोसा नहीं है, किसी में 50 कर भी देगा, बाकी 3-4-5 मैच में फ्लॉप भी जाता है। देखो तो पिछला मैच में ही कुछ खास नहीं कर पाया था यहाँ पे पृथ्वी शॉ के, टोटल अगर रन देखोगे आप लोग तो 12 रन ही किया था, और बहुत दिक्कत है इसको लेके चलने में। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, दिल्ली के होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो फिर वहाँ पे बेहतर कर सकता है कुछ, और दिल्ली का स्टेडियम जानते हो आप लोग, तो उस हिसाब से कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक ही टीम में इसको रखना चाहिए, अगर 2 टीम 3 टीम क्रिएट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे अभी इसे नहीं लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। खुद का सुनो और खुद से प्रेडिक्ट करो चीज़ें, ठीक है, तो मैं इसको पृथ्वी शॉ को नहीं लूँगा। और यहाँ पे देखा जाए तो रिली रुसो है, साई सुदर्शन है, जो कि यहाँ पे साई सुदर्शन पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट आया था, तो यहाँ पे रिली रुसो जो है आप देखो कि कितना नंबर पे आता है, रिली रुसो को टीम में रखना चाहिए, जगह बनता है या नहीं बनता है। रोमन पॉवेल है, रोमन पॉवेल पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन आप इसे रखोगे तो आपको ये बेहतर करके दे सकता है। तो आप एक बार रिक्स ले सकते हो, एक टीम में यहाँ पे रिली रुसो को रख लो, एक टीम में रोमन पॉवेल को रख लो, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग कर लोगे। अब ऑलराउंडर में आते हैं, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देता है, तो इसको तो छोड़ने का कहीं सवाल ही नहीं है। और पेस के लिए पिच भी यहाँ पे बता रहा है कि सही है, तो पेसर हम लोग के पास हो गया। मिचेल मार्क्स जो है हमेशा आप देखोगे तो इसके 10% 8% कैप्टनसी पिक रहते ही है, कभी कभी आपको ज़्यादा भी मिल जाएंगे। मिचेल मार्क्स को लोग इसलिए ज़्यादा पिक करते हैं क्योंकि 1 डाउन आता है खेलने के लिए और बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, तो आपको बेहतर करके दे सकता है। अक्षर पटेल को आप देख लो, ऐसा थोड़ी ना कि पेस के लिए तो आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करोगे, अक्षर पटेल को आपको टीम रखना है। हाँ, राहुल तेवतिया को एक टीम में आप लोग रख सकते हो, बाकी 2-3 टीम जो बना रहे उसमें ड्रॉप कर सकते हो। राहुल तेवतिया कभी कभी ही चलता है, बाकी टाइम वो फ्लॉप ही जाएगा, ठीक है। विजय शंकर 3D प्लेयर है, आप देख सकते हो उसको आपको क्या करना है। तो आपको अगर लगता है कि विजय शंकर कुछ बेहतर करने वाला जरूर अपने टीम में रखो, आपको अगर लगता है कि ये नहीं करने वाला तो टीम में मत रखो। मुझे नहीं लगता है कि विजय शंकर आपको 10-12 रन से ज़्यादा या 15 रन से ज़्यादा करके देगा, क्योंकि इनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है, और बॉलिंग तो जानते ही आप लोग। अब आते हैं बॉलर पे जब आओगे आप लोग तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसा हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। राशिद खान बहुत हाईली पिक होता है, राशिद खान को अपने टीम में रखोगे तो राशिद खान बॉलिंग किया 4 ओवर तो आपको विकेट निकाल के दे देगा, आपको कुछ रन बना के दे देगा, अगर चेज कर रहा है तब तो ज़रूर वो देगा, क्योंकि अगर उतना नीचे तक जाता है वहाँ पे तो मतलब आएगा ही खेलने के लिए, और पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा खेला था और फिनिश भी करके गया था, 10 रन बनाया था और यहाँ पे 4 ओवर में 2 विकेट निकाला था, तो इसको हम लोग अपने टीम में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव हमेशा से बहुत बेस्ट पिक होते हैं ड्रीम इलेवन के लिए। ड्रीम इलेवन में कुलदीप यादव आपको विन करा सकते हैं, आपको डुबा सकते हैं, ठीक है, दो चीज़ करते हैं, या तो आपको डुबा देंगे नहीं तो आपको विन करा देंगे। तो आपको जो आप विनिंग के लिए टीम बना रहे हो कि हाँ ये टीम एकदम पूरा तोड़ फोड़ करने वाला, पूरा रॉक होने वाला है, तो उस टीम में आप कुलदीप यादव को एज ए VC भी ले जा सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, तो इनको हम लोग अपने टीम में रख लेंगे। मोहम्मद शमी मुझे कुछ खास पिक नहीं लगते हैं, आपको ज़्यादा नुकसान होगा तो 1 विकेट निकालेंगे, वो नुकसान होगा, ठीक है, तो मोहम्मद शमी को आप देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ आज 3-4 विकेट निकलने वाला है, पेस के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप मोहम्मद शमी को रखो, ठीक है। 3 बॉलर हम लोग के हो गए, और यहाँ पे देखो यश दयाल, खलील अहमद और चेतन सकरिया पिछला मैच में देखो तो 2 विकेट निकाला था, ठीक है। अब चेतन सकरिया को अपने टीम में रखोगे कि नहीं रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चेतन सकरिया, खलील अहमद आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे लगता है कि शुरू में आप देखोगे तो गुजरात टाइटन्स के 2 विकेट गिर ही जाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ पेसर जो है खलील अहमद परेशान कर सकता है, रिद्धिमान साहा को परेशान कर सकता है, तो मुझे लगता है खलील अहमद के साथ आज के मैच में आपको जाना चाहिए, तो आप खलील अहमद के साथ चले जाओ। और एक बचा बैट्समैन का जो जगह है आपके ऊपर टीम में, आप चाहो तो पृथ्वी शॉ के साथ जाओ या रिली रुसो के साथ जाओ। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से अगर टीम बनाते हो तो यहाँ पे आपका टीम जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। पूरा परसेंटेज के ऊपर आपको नहीं जाना है कि हाँ इसी को मुझे रखना है, इसको नहीं रखना है, ये कर पाएगा ये बेहतर नहीं कर पाएगा, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। हालांकि यहाँ पे देखे हुए तो आप लोगों को बहुत सारे प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जो परसेंटेज बेसिस पे ही हम लोगों ने रखा है, लेकिन आप देखो तो बहुत सारे लो भी यहाँ पे रखा है मैंने। आप देखोगे तो खलील अहमद का परसेंटेज कम है, बाकी सारे जो प्लेयर हैं वो तो बेहतर करने ही वाले हैं। यश दयाल जो है, यश दयाल को आप रख सकते हो,
अपने अलग टीम में, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर कैप्टन बीसी की बात करें तो आप देखोगे कि हाँ शुभमन गिल के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो इनको कैप्टन बना देते हैं, डेविड वॉर्नर के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो इनको वीसी बना देते हैं। तो ऐसे तो जीएल नहीं जीत पाओगे। हार्दिक पांड्या के साथ बहुत लोग जाते हैं कैप्टन बना देते हैं वीसी बना देते हैं, ऐसे आप लोग नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो आप देखो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव बेहतर कर सकते हैं आज के मैच में, और तो आप इनको वीसी लेके जा सकते हो। राशिद खान को लगता है कि बेहतर कर पाएंगे तो आप इनको वीसी लेके जा सकते हो, और कैप्टन किसी ऐसे प्लेयर को रखो जो आपको बॉलिंग में विकेट दे या फिर रन कुछ बना के दे दे। तो ऐसे अगर प्लेयर आप देखोगे तो आपको कुछ प्लेयर दिखते हैं यहाँ पे जो कि थोड़ा ऊपर आते हैं और आपको दोनों से रन बना के पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है मिचेल मार्क्स का और दूसरा जाता है हार्दिक पांड्या का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या से बेहतर मिचेल मार्क्स कर सकते हैं। अब देखा जाए पिछला मुकाबला तो हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, तो मुझे लगता है मिचेल मार्क्स कर सकते हो। हालांकि मिचेल मार्क्स भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन मिचेल मार्क्स यहाँ पे वन डाउन आते हैं खेलने के लिए और बॉलिंग की है तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। जहाँ सारे लोग अगर हार्दिक पांड्या को लेकर जा रहे हैं, सोचो हार्दिक पांड्या फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ बेहतर नहीं कर पाते, 50-60 पॉइंट देके छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट देता है तो सोचो डबल हो जाएगा इसका। तो मुझे लगता है कि मिचेल मार्क्स को अपने टीम में रखना चाहिए, पेस के लिए बेहतर है। हार्दिक पांड्या भी पेस करते हैं, मिचेल मार्क्स भी पेस करते हैं, तो ये चीज़ हो गया, आपको कैप्टन पिक मिल गया। अब वीसी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मोहम्मद शमी है, राशिद खान है, खलील अहमद है, कुलदीप यादव है, इधर ऊपर देखोगे अक्षर पटेल आपको दिख जाएगा, हार्दिक पांड्या दिख जाएगा, सुमन गिल दिख जाएगा, रिद्धिमान शाह दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुमन गिल बेहतर कर सकता है, पिछला मैच में भी बेहतर किया है। आप देखो तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को भी वीसी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी पेसर को भी वीसी लेके जा सकते हो जिसमें आपके खलील अहमद या फिर मोहम्मद शमी शामिल है। तो उस हिसाब से आप लोग एक टीम बना सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका टीम होगा, आप लोग ये टीम देखो मैंने कितना ही कॉम्बिनेशन बनाया, 6-5 के कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आप तीन टीम बनाओ, एक 6-5 के कॉम्बिनेशन से बनाओ, एक 7-4 के कॉम्बिनेशन से बनाओ, और यहाँ पे एक 5-6 के कॉम्बिनेशन से बना लो। क्योंकि देखो सबसे पहला चीज़ कि दिल्ली मैच खेल रही है, ठीक है, और गुजरात और दिल्ली का सामना एक ही बार हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज जो दिल्ली अपने होम ग्राउंड में मुकाबला खेल रही है तो दिल्ली ज़्यादा ये करेगी। हालांकि आप देखो तो डेविड वार्नर बहुत बेहतर किए थे, उसके अलावा कोई उतना खास नहीं कर पाया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि दिल्ली अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है तो बेहतर कर पाएगी, हो सकता है कि जीत भी पाएगी आज। तो मुझे लगता है एक टीम आप ऐसा बनाओ जिसमें दिल्ली के खिलाड़ी ज़्यादा हो और गुजरात के खिलाड़ी कम हो, और एक सोचो कि आप लोग की गुजरात पहला मैच जीती है और दूसरा मैच भी जीतने के लिए आ रही है, तो एक उस हिसाब से टीम बना लो। और एक आप टीम ऐसा बनाओ जिसमें कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो, लेकिन आप जो रिस्क लो कैप्टन और वीसी पे लो, तो उस हिसाब से अगर बनाओगे तो आप लोग इजीली आपकी तीनों टीम में से कोई एक टीम दो टीम अच्छा खासा रैंक कर सकती है और आप लोग यहाँ पे जीएल भी जीत सकते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे वीसी के साथ जाना चाहिए तो वो है शुभमन गिल। ठीक है, दूसरा जो मेरा टीम होगा उसमें वीसी मेरा रहेगा यहाँ पे कुलदीप यादव, और तीसरा जो होगा उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे और वीसी होगा मिचेल मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग टीम बनाओगे तो आप लोग इजीली विन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे लेकर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।